बहुत बढ़िया। इस वक्त हम मथुरा में मौजूद हैं और यूपी में इलेक्शन में हम सभी की राय ले रहे थे और जाते जाते ही बीच में हमारी गाड़ी की भी चेकिंग हो रही थी, जो कि जायज भी है कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुजाता सिंह, डिप्टी कमिश्नर मैम है ये। तो मैम, किस तरीके से आप लोग चेकिंग कर रहे हो यहाँ पर? जैसा कि आप अवगत हैं कि इस समय विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, तो इसके अंतर्गत जो है निर्वाचन कार्यालय से डीएम सर के आदेश पर सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति हुई है। हमारा ये FST 84 जो आप देख रहे हैं, ये मथुरा विधानसभा के लिए है, जिसमें पूरा मथुरा का क्षेत्र आता है विधानसभा का। और हम लोगों को जो काम है कि कोई भी जो चीज़ें चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि पैसा, शराब, गांजा या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको चेक करना, इसी के अंतर्गत ही हम लोगों ने आपकी भी गाड़ी चेक की। टाइमिंग क्या क्या होती है चेकिंग? टाइमिंग मेरी 6 to 2 PM है, 6 AM से। बहुत बढ़िया। ये बोट ही बोट है। यहाँ पर बोट का आनंद ले रहे थे और यहाँ पर बोट वाले भैया नजर आ रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस यमुना नदी के बारे में कुछ दो शब्द बताइए। यमुनाई जो है ये भगवान कृष्ण की पटरानी है। यमुनाई के दो भाई हैं, यम और सनी। यहाँ भैया दोज को बहन भाई हाथ पकड़ के स्नान करते हैं। लाखों करोड़ों लोग की भीड़ रहती है, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। यमुनाई ने अपने भाई यमराज को वचन दे दिया, अगर कोई मेरे यहाँ बहन भाई हाथ पकड़ के स्नान कर जाएगा, वो तेरे यम फंदे से मुक्त हो जाएगा। ये हो गया यमुना नदी के बारे में, हमने जिक्र कर लिया। अब चुनाव को लेकर थोड़ा आपकी राय जानना चाह रहे हैं, किसकी सरकार चाहते हैं आप? यहाँ तो हम तो मोदी योगी की सरकार चाहते हैं। मोदी योगी ने सब लोगों के, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है और किसी ने 60 साल हो गए कुछ नहीं किया है। मोदी योगी खूब दे रहे हैं, घर जमीन हो तो मकान बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, लेडीज लोगों के लिए सिलेंडर दे रहे हैं, राशन पानी सब बढ़िया मिल रहा है, दो दो बार मिल रहा है सब। योगी मोदी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी इतनी पसंद क्यों है? 5-10 सालों में इतना उन्होंने बदल के रख दिया है देश को। अच्छा, मतलब कमल खिलेगा? हाँ, कमल खिलेगा, फूल वाला ही है। यहाँ तो सब लोग बीजेपी वाला है, पूरा गांव है केवटों का, सब बीजेपी को देंगे। इस बार हम सरकार लाना चाह रहे हैं योगी बाबा। एक तो काम उन्होंने मतलब काफी अच्छे रहे हैं, जैसे राम मंदिर हो गया और राशन पानी हो गया और बहुत सारे काम है। रोड देख लो, हमारे यहाँ तो चमनी चमनी है, बाबा की मेहरबानी है। और उन्होंने अभी बोल दिया है कि आगे आगे देखो होता है क्या। आप बताओ आगे आगे क्या होगा? अभी आने तो दो दोबारा बाबा को। फिर तो आप लोग क्या करना चाह रहे हो आगे? आगे हम तो बाबा की सरकार बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जो करेंगे बाबा जी करेंगे फिर आगे। तो आप लोग लाओगे तभी तो बाबा जी करेंगे। अब सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बार भाजपा की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत से। ये दावे के साथ कह सकते हैं जो विकास 5 साल में हुआ यूपी में, ऐतिहासिक विकास हुआ है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब तो खैर चलो सुन रहे हैं कि हाँ जी जो है ये बिल आधा कर दिए, लेकिन अभी जो है वो लागू नहीं किया है। सबसे ज्यादा बिजली के हाई रेट पूरे ऑल इंडिया में उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं ये बताइए? अब देखो, अब तो बदलाव की लहर चल रही है। अभी 10 दिन में हम अपने जो है फैसला लेंगे कि हाँ हमें वोट कहाँ करना है। जो हमारी ये जो आंदोलन के टाइम जो सरकार ने हमारी 6 मांगों पे जो किया था, कहा था कि हम विचार करेंगे इन पे, अभी एक भी मांग पे विचार नहीं हुआ है। अगर सरकार हमारी MSP भी गारंटी कर लेती है, पराली जलाने का जो कानून है इसे वापस ले लेती है, किसानों पर लगे हुए मुकदमे वापस हो जाए, तो हम तो इसको वोट कर देंगे। किसानों की मांगों पर अभी सरकार राजी नहीं हुई है, इलेक्शन की डेट भी आ चुकी है, क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा इलेक्शन पर इससे किसानों की तरफ? अगर इन्होंने अभी किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा तो इलेक्शन पर फर्क पड़ेगा। तो चुनावी सर्वे के दौरान आपने देखा यहाँ मथुरा में हमने मथुरा वासियों की राय ली, तो हर कोई चाह रहा है कि मोदी सरकार आए और हर कोई मोदी सरकार को अपना पसंदीदा सरकार बता रहा है। लेकिन जिस तरीके से जनता की पसंदीदा मोदी सरकार है और ये मथुरा वासी कमल खिलाना चाह रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि क्या 2022 में एक बार फिर से कमल खिल पाता है और फिर से योगी सरकार आ पाती है या नहीं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मथुरा वासियों की राय को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन सुनील के साथ हकीकत आप तक। आप हमारी खबर को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें।